तो कीपर लोगों को फर्स्ट से लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत हमारे गांव चेसियन जो कि अभी के लिए होली मास्टर और लीडर के पास यहां पर आया था ये बताने के लिए केवल मैं जा रहा हूं। तो लीडर यहां पे कहता सच्ची में यार तू वापस जा रहा है, नहीं दो चार दिन और यहां पर रुक जाता तेरे साथ बैठ कर ना, मुझे दो चार बातें यहां पर करनी थी। अपनी क्वेन भी वहीं पर बैठी हुई थी, क्वेन समझ आती नहीं भैया, जलते हैं बेसिकली हमारे अंकल गांव चेसे कि मेरी होली बंदी ना ये पटाखे यहां पर लेके चले गए। हाँ तो कोई कोई तरीका ढूंढ के हमारे गांव चे को नीचे दिखाने के लिए यहां पर रुकवाना चाहते हैं, लेकिन गांव चे अंकल भी यहां पर जाने को तैयार है। हाँ तो गांव चे भी कहता है केवल सॉरी यार मैं भी अपने सेठ का लीडर हूं और लीडर का काम यहां पर होता है अपने सेठ का काम यहां पे संभालें और बहुत दिन हो चुका है सेठ में लौटा नहीं हूं तो जाके मुझे काम संभालना पड़ेगा, आऊंगा यार ये तो मेरा ससुराल यहां पर है ना। तो पीछे से जियांग कहते हैं ऐसी बात है आप जा ही रहे हो तो मैं भी आपके साथ आती हूं, अब वो मेरा ससुराल तो आपका सेठ बन चुका है ना। जो सुंदर हमारा गाउचे कहता है यस वो तुम्हारा ही अपना घर है तुम्हारी मर्जी, तुमको जब आने को रहेगा तब आ जाना, लेकिन तुम्हारे को अभी काम है ना अपने सेठ में तो यहीं पर रुको अपना काम यहां पर पूरा करो, मैं वापस आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। तो वो भी कहती ओके ठीक है, स्वीट समूवमेंट यहाँ पे तैयार था जो देखे होली मास्टर तो आराम से देखती है, क्वेन भी हल्का सा चौके देखती है और लीडर उसको जलन यहाँ पर होती है कि अरे यार मेरे सामने रोमांस यहाँ पे करे, इसलिए खड़ा हो जाता है और कहता जाना है तो जल्दी से जा यार मुझसे ये सब देखा नहीं जाता अब बाय, इतना बोलकर लीडर खुद निकल जाता है। क्वेन देखती जल रही है लीडर की तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जल रही है, मेरे को हमेशा नीचे दिखा देते ना इनका जलते हुआ स्पेशन देखकर मेनू मजा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अरे यार मुझे भी ना अंकल गाउचे के साथ ना सेठ से बाहर उनके साथ घूमने फिरने का एडवेंचर करने का उनके हाथों खाना खाने का मन यहाँ पे कर रहा है, वो चले जाएंगे हाथ ना उनका हाथों खाना खाने का मौका मिलेगा और नहीं बाहर घूमने का मौका यहाँ पे मिलेगा। अगर आंटी जीएम भी साथ में जाती ना तो मैं भी साथ में आने का बहाना बना लेती, लेकिन वो नहीं जा रही यानी मुझे भी आने का मौका नहीं मिलेगा। उसको जो होली मास्टर ना गाँव चेस से कहती ओके ठीक है वापस हम लोग मिलेंगे, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था ना उस एग्रीमेंट के बारे में भूलना मत। तो अपनी जीएम कन्फ्यूज की भाई एग्रीमेंट आपके बीच में कौन सा एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया है, जो सुनते हमारी होली मास्टर यहाँ पे बताती है एग्रीमेंट पर हुआ है जब गाउची यहाँ पे सातवें रैंक पे जाएगा ना तब जाके उसको बताऊंगी और मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगी, तुम्हारे साथ ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर है। अपनी क्वेन चौक जाते कह रही है जब वो सातवें रैंक पे जाएंगे ना होली मास्टर अपने आप को अंकल गाउची के हवाले कर देंगे और वो आंटी जी हैं उनकी बीबी, यार किसी की बीबी के सामने तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई मैं तुम्हारे पति को अपना बनाना चाहती हूँ, भाई होली मास्टर को शर्म नहीं आती क्या। हमारी जी हैं भी कन्फ्यूज की जब सातवें रैंक पे जाएंगे मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करनी है, क्या बातचीत यहाँ पे करनी है। हमारा गाउचे भी कहता है यह मुझे भी याद रहेगा, और हालांकि हमारे गाउचे को भी आइडिया नहीं कि भाई ऐसा क्या ये मुझे देना चाहती है या फिर करना चाहती है सातवें रैंक के बाद, आई डोंट नो हो सकता है मेरे लिए कोई कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। और सेकंड बात अभी के लिए ना मुझे मेनली वो जो था ना लिखा हुआ कि चाबी अपने पास रखना गाउची एग्जैक्टली क्या चाबी है क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे पता करना है और उसी को पता करने के लिए मैंने अपने सेट में यहाँ पे वापस से जा रहा हूँ। और अभी के लिए मैं जीएंग को अपने साथ लेके जा नहीं सकता, उसका मेन रीजन ये है कि जब जब मेरे को अपने लेवल अप करने को रहता ना इंपॉर्टेंट स्टेज पर मुझे एक मिशन यहाँ पे करने को रहता है, लेकिन मेरे साथ ये रहेगी ना तो मैं कभी मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा और अपना 50वां लेवल यानी 5वें रैंक पे जा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमेशा ये बीच में आएगी मुझे यहाँ पे बचा लेगी, इसके लिए मैं अभी के लिए इसको अपने साथ लेके जा नहीं सकता। जब मैं 5वें रैंक पे जाऊंगा ना तब वापस मिलने यहाँ पर आऊंगा, जब तक ना 5वें रैंक या उसके ऊपर जाना यानी ग्रेट कल्टिवेटर वो लोग यहाँ पे कहलाते हैं, अभी के लिए अपन 4वें रैंक पर हैं, इसलिए चाह के भी ना बेचारी जीएं के साथ यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक बार अगर मैं भी 5वें रैंक पे चल गया ना फिर तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद हमारा गाउचे चाह के भी ना अपनी जीएं के साथ ना वो सब जो कहते हैं ना घपाघप नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी तक उसने सच्ची में नहीं किया है, इस साथ में सोते भी एक ही कमरे के अंदर रहते हैं किसिंग विसिंग सब हो गया है वो सब नहीं हो पाता क्योंकि हमने बहुत पहले देखा था 5वें रैंक के नीचे के जो कल्टीवेटर्स है ना वो नॉर्मल कल्टीवेटर्स कहलाते हैं और 5वें 6वें 7वें रैंक के जो कल्टीवेटर्स है ना वो लोग यहाँ पे गेट कल्टीवेटर कहलाते हैं और हमारी जो जियेंगे ना वो 6वें रैंक की यानी गेट कल्टीवेटर में आती है। हमारा गाउची अभी 4वें पर ही है वो 5वें पे अभी नहीं गया जिसके चक्कर में वो गेट कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं कहलाते, यानी शायद जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स है ना वो गेट कल्टीवेटर के साथ वो सब नहीं कर पाते होंगे, इसलिए हमारा गाउची भी रुका हुआ था। अब ये सोच के एक्साइटेड यहाँ पे हो जाता कि मैं भी 5वें पे चल जाऊंगा तो उस समय सारी बातें कर पाऊंगा, तो शर्मा रहा था। तो ये भी कहती बाबू क्या हो गया आपका मुंह यहाँ पे लाल कैसे है, तो गाउचे भी कहता क्या ना मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सर्दी वर्दी यहाँ पर है ना तो थोड़ा बस और कुछ भी नहीं बस ऐसे ही मेरा मुंह लाल हो गया, ओके ठीक है तो गुड बाय वापस से मिलने के लिए पक्का आऊंगा। तो अपनी जीएम को भी याद आ रही थी कह रही यार बाबू दूर चल जाएंगे, क्वेन भी याद कर दी कह रही यार अंकल गाउचे चले जाएंगे, तो अपना जो अंकल गाउचे वो जाने से पहले आंख यहाँ पे मारता है जीएम की ओर, तो जीएम भी देखती है वो भी शर्माती है और बड़ी खुश यहाँ पर। उसके बाद फाइनली अपने जो भी था भाई फ्लाइंग बोर्ड उस पर बैठ के निकल जाता है, जो एल्डर्स गो था ना ये कमीना एल्डर ये भी देखते गाउचे यहाँ पे चला गया ना, जा यार तू वापस कभी लौट नहीं पाएगा क्योंकि रास्ते में मेरे बंदे तेरा इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। अब आते अपने गाउची की ओर जो कि बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था कि यस भाई 5वें रैंक पे चल जाऊंगा मजा आ जाएगा ग्रेट कल्टिवेटर यहाँ पे बन जाऊंगा, ग्रेट कल्टिवेटर की जो जिंदगी है जो पावर होता ना यार वो बाकियों से एकदम अलग यहाँ पर होता है, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। अपने मम्मी पापा को याद करता है कि मम्मी पापा डोंट वरी आपका जो बेटा ना बहुत ही जल्दी एक ग्रेट कल्टिवेटर यहाँ पे बन
जाएगा। उतने में जो बहन है ना, बहन की याद आ जाती है कि शीट यार मुझे याद है सिस्टम में लिखा हुआ था कि अगर तुमको अपने सेट का लेवल अप करना है सेट में मिनिमम ना 2-5वें रैंक के कल्टिवेटर होने चाहिए। और अभी के लिए एक यहाँ पर है और एक और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन यहाँ पर है। आई डोंट नो मेरी बहन कौन सा तरीका यूज़ करती है, अपना लेवल छुपा लेती, मुझे खुद आइडिया नहीं पड़ा, तो सिस्टम द्वारा मुझे मालूम चल गया। इन शॉर्ट मेरी बहन मेरे से पहले वो 5वें रैंक पर जा चुकी है। भाई मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन होती तो समझ आता, बड़ी बहन बड़े पहले पैदा हुई थी इसलिए ज़्यादा आगे यहाँ पर है, छोटी बहन होकर मेरे से आगे यहाँ पर निकल गई, ये तो गलत बात है। ये ऊपर वाले एक छोटी बहन के तो अपने बड़े भाई से आगे यहाँ पे कैसे कर सकता है। और तभी हमारे गाउचे के सिस्टम में देख सकते हैं सर लेटर जैसा कुछ यहाँ पे बना था, तो ये भी देख तभी ये लेटर जैसा मैसेज वैसेज यहाँ पर है क्या, तो जैसे चेक करते तो मालूम चलता मैसेज यहाँ पे नहीं, ये मैप यहाँ पर एक जगह का, वो जगह पर बंदे तब जाने को उनको मौका मिलता है जब वो बंदे ना 5वें रैंक पर जाते हो। मैं भी 5वें रैंक पर जाने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मेरे को भी आया, तो जैसे 5वें रैंक पर जाऊँगा ना इस जगह पर जाकर चेक करूँगा। और अभी के लिए मुझे 5वें रैंक पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। आपको याद नहीं आ रहा क्या, जब गाउचे हमेशा इंपॉर्टेंट अपना लेवल अप करता है, जब वो पहले रैंक पर गया था, दूसरे तीसरे और चौथे रैंक पर गया था, उसने एक मिशन यहाँ पे किया था, वो जो मिशन है ना उसका लेवल ये खुद यहाँ पे चूज कर सकता है। और हमको मालूम है दुनिया में जो लेवल है ना वो चार कलर में यहाँ पे डिवाइड है, सबसे नीचे यहाँ पे येलो, उसके ऊपर यहाँ पे ब्लू, उसके ऊपर पिंक और ऑरेंज, सबसे हाई लेवल का मिशन यहाँ पर होता है और ये हमेशा ऑरेंज लेवल का मिशन यहाँ पे चूज करता है। तो ये जो ऑरेंज लेवल का मिशन था ना वो मिशन यहाँ पे चूज करता है और देखता है, चलो भाई मैं भी देखना चाहता हूँ इस और मिशन कितना हार्ड होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखते भाई इसको मिशन कैसे पूरा करता है, वेल्डर्स वो यहाँ पे क्या क्या करता है, कब अपने सेट में जाके मिलेगा और कब ये जियांग के साथ यहाँ पे वापस मिलेगा और इसका जो सपना यहाँ पर है वो जियांग के साथ पहला बार स्वागत मनाने का वो कब पूरा होता है। यार आई डोंट नो काय को गाओ से ज्यादा एक्साइटेड मुझे यहाँ पर है उनको मन आते हुए देखने की, आई डोंट नो बस मुझे है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।